हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी चीज पर कुछ किया कराया होता है, काला जादू, तब उस चीज को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि कुछ चीज पर काला जादू किया गया है या नहीं? इसीलिए कहा जाता है, जब हम किसी वीरान जगह पर, खाली जगह पर जाते हैं, वहां पर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई हो जिस पर आपको शक हो, तो उसे हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। अमूमन जो काला जादू किया गया होता है, वो सामान देखने से ही पता चल जाता है। खाने पीने का सामान, पत्ते वत्ते, ऐसी चीज पड़ी हो तो हम खुद ही उससे दूरी से निकलते हैं। सोचो क्या हो अगर किसी ने काला जादू ही किसी ऐसी चीज पर कर दिया हो जिसे कोई हाथ लगाने से खुद को रोक ना पाए। चांदी की चीज, अगर कहीं पर किसी का चांदी का झुमका, चांदी का गहना पड़ा हुआ है, हमारे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आता कि उस पर कोई काला जादू किया गया है। हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन अगर सच में किसी ने ऐसी चांदी की चीज पर काला जादू किया हो और उसे रखा ही इसलिए हो ताकि कोई उसे हाथ लगाए, उठाए और वो मुसीबत अपने घर से निकलकर उसके घर में चली जाए, ऐसे हालत में क्या होगा? चांदी की चीज अगर कहीं पड़ी भी हो तो कुछ लोगों की मजबूरी होती है। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं और उन्हें लगता है उस चीज को बेचकर कुछ पैसे उनके हाथ में आ जाएंगे। जबकि सिर्फ मजबूरी वाले ही नहीं, और भी लोग चांदी की चीज को हाथ लगाने से रह नहीं पाते। और अगर ऐसी चीज पर काला जादू हो तो उनकी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है, आज की इस कहानी में आपको यही जानने को मिलेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले हेडफोन लगा लो, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लो, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है रविकांत और सिमरन की। दोनों की नई नई शादी हुई थी और वो उत्तराखंड के एक शहर के रहने वाले थे। अब जो रविकांत था वो उस शहर में रहा करता था, जबकि जो सिमरन थी उसका पास में ही एक गांव था, कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर। और वहां उनकी शादी हो गई तो उनका रहना अब शहर में शुरू हो गया था, क्योंकि रविकांत भी यहीं पर रहा करता था। उसको सरकारी नौकरी मिली हुई थी तो उसकी शादी भी काफ़ी जल्दी ही हो गई। इस तरह दोनों एक दूसरे को पहले ही फ़ोन पर बातें करते हुए काफ़ी जान पहचान गए थे। दोनों में प्यार भी काफ़ी ज़्यादा था। अब शादी हुए 2 महीने हो चुके थे। जो रविकांत था वो सिमरन को लेकर एक बार ही सिमरन के घर वालों के पास गया था। तो सिमरन कब से कहे जा रही थी कि मम्मी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। जो रविकांत था उसका कहना था कि जब शादी हुई ना, तब मैंने 15 से 20 दिन की छुट्टियाँ ली और अभी मुझे छुट्टियाँ मिलने में मुश्किल हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ, 2 महीने बाद छुट्टियाँ लूँगा। अब 2 महीने हो चुके थे, 3 छुट्टियाँ ली थी उसने। और सिमरन कहे जा रही, मुझे घर जाना है, मुझे एक बार घर जाना है। तो रविकांत को लगा, ठीक है ना, अब 2 महीने हो गए हैं, घर वालों की याद आ रही है, इसे लेकर इसके घर चलता हूँ, 20 किलोमीटर की तो दूरी है। इसके बाद जो रविकांत था उसकी माँ ने कह दिया था कि जब तुम घर जाना ना, इसके घर जाना, रास्ते में एक नदी पड़ती है, तो ऐसा करना, जो मंदिर का कुछ सामान है ना, कुछ धूप की राख है, कुछ तुलसी के पौधे हैं जो सूखे पड़े हैं, ऐसा करना उस नदी में ना फेंक देना ताकि उस पवित्र जल में वो बह जाएं। अब रविकांत ने वो सारा सामान लिया, सिमरन ने अपना बैग भर लिया था। अब 2-3 दिन घर में रहने वाले थे वो, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये वक्त 7 बजे का होगा। आज वो काम करके निकलने वाला था, क्योंकि आज ऑफिस में जाना था, शाम के वक्त सीधा घर की तरफ निकलेंगे, ये प्लानिंग थी। अब घर में छोटे मोटे काम थे, ये करते करते 7 बजे का समय हो गया, कुछ अंधेरा हो गया था। रास्ते ज़्यादा ख़राब नहीं थे, इस चीज़ का उन्हें डर था ही नहीं, वहाँ जो सड़कें हैं वो अच्छी खासी बनी हुई हैं। तो अब 7 बजे वो निकले, 20 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा लंबा भी नहीं था, इसमें कोई आधा घंटा या घंटा लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो शाम के वक्त वो निकले, सड़क भी पूरी तरह से खाली नहीं थी। जैसे ही वो नदी के करीब पहुंचे तो सिमरन ने याद दिलाया रवि को कि यहाँ पर मम्मी जी ने वो सामान दिया था, वो हमें पानी में डालना है। रवि को याद आया, हाँ, लिफाफा बंधा पड़ा है। जैसे ही उन्होंने नदी के पास वो बाइक लगाई, फिर थोड़ा सा नीचे उतर कर गए ताकि पानी के करीब से वो फेंक देंगे। जैसे ही वो फेंकने वाले थे, वहाँ अब अंधेरा हो चुका था, तो मोबाइल की टॉर्च की जो रोशनी थी ना, वो मारकर दिख रहे कि पाँव नदी के पास नहीं जाना चाहिए, यहाँ नदी पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा करीब नहीं जाना, मैं ही आगे की तरफ डालूंगा। ये कर रहा तो जो सिमरन थी उसने फ़ोन पकड़ा हुआ, टॉर्च की रोशनी मार रही और कह रही, ध्यान से, ज़रा ध्यान से। जब उन्होंने वो सामान था, वो लकड़ियाँ वगैरह, वो सब पानी में डाला, तभी एक चीज़ चमकने लगी पास की मिट्टी में ही। अब सिमरन का ध्यान उस तरफ गया, सिमरन कहने लगी, ये क्या चीज़ चमक रही है? जो रवि था उसने भी देखा, उसने कहा, हाँ कुछ है, क्या चीज़ हो सकती है? अब रवि ने तो कहा, चलो छोड़ो हम चलते हैं, लेकिन जो सिमरन थी वो कहने लगी, नहीं, ये झुमके जैसा लगता है।
रवि ने कहा, नहीं नहीं यहाँ कौन सा झुमका होगा। तो सिमरन ने कहा, नहीं ये झुमके जैसा ही लग रहा है। जैसे ही सिमरन थोड़ी सी आगे बढ़ी, उसने अपने हाथ से वो झुमका उठाया और कहने लगी, नहीं ये झुमका ही है और देखो चांदी का लग रहा है। जो रवि था वो कहने लगा, नहीं चांदी का थोड़े ना हो सकता है, अब चांदी का कोई यहाँ कैसे फेंकेगा। तो सिमरन कहने लगी, नहीं मुझे चांदी की पहचान है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, ये ओरिजिनल चांदी की है और देखो भारी भी लग रही है। इसके बाद जो रवि था उसने हाथ में रखा और देखने लगा, हाँ यार पीछे नंबर भी लिखा है, ये तो चांदी का ही है, किसी का गिर गया होगा, तो क्या करें, यहाँ इंतज़ार करें या किसको देंगे। तो सिमरन कहने लगी, किसको क्या देना है, अब जिसको चीज़ मिली है उसकी हो गई, अब यहाँ कौन सा कोई लेने आएगा, और हम यहाँ अंधेरे में खड़े रहेंगे, अनजान तो जगह है, अंधेरे में थोड़े ना खड़े रहेंगे। अब ये झुमका हमारा हुआ, किस्मत ने हमें दिया है, हमारा हो गया, अब किसी से बात भी थोड़े ना कर सकते हैं, घर के आसपास होता तो पूछ भी लेते। तो सिमरन ने वो झुमका अब अपने बैग में डाला और बाइक के पीछे बैठी और इसके बाद वो घर की तरफ निकले। तो जो सिमरन थी काफ़ी ज़्यादा खुश, लेकिन दुख इस चीज़ का था, सिर्फ एक ही झुमका है, दो झुमके होते तो ज़्यादा अच्छा होता। उसे सोने की चांदी की चीज़ें पहनना काफ़ी पसंद था, शादी में भी कुछ मिली थी, लेकिन उनकी जो माली हालत थी ना, वो रवि कांत की, उनकी माली हालत भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी, सरकारी नौकरी नई नई लगी थी, घर की रेनोवेशन करवाना और चीज़ें करवाना पैसे उनमें लगते थे, शादी में भी ज़्यादा पैसे नहीं लगे थे। और जो सिमरन थी वो भी कोई ठीक ठाक घर की ही थी, उनके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, शादी में उनके जो पिता थे ना सिमरन के, उन्होंने ज़्यादा खर्च कर दिया था, जो गहने थे वो भी ठीक ठाक ही बनवा पाए थे ताकि इज्जत बच सके। अब सिमरन को गहने पहनने का शौक तो था, लेकिन पैसे, अब रविकांत ने कहा था धीरे धीरे ना जोड़ते रहेंगे, इकट्ठे करते रहेंगे और भविष्य में हमारे पास भी अच्छे खासे गहने होंगे, जो तुम पसंद करोगी ना वो हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। इस तरह झुमका रखा हुआ बैग में अब वो सीधा पहुँचे सिमरन के घर, सब मिले काफ़ी ज़्यादा खुश। इसके बाद वो घर भले ही छोटा था, लेकिन जब मेहमान आते थे ना तो घर में पूरी अच्छी तरह से वो सजा दिया करते थे, और अब तो जवाई राजा घर में आए थे, उनकी बेटी खुद आई थी, तो उन्हें एक कमरा दे दिया गया अच्छी तरह से सजाया हुआ, फूल लगाए हुए। अब ये नया बनाया हुआ कमरा था, ये कुछ 6-7 महीने पहले उन्होंने बनवाया था, उसके बाद सिमरन की शादी हो गई, रिश्ता हो गया, जल्दी जल्दी शादी हो गई, तो ये नए कमरे को सजा दिया गया कि जवाई राजा बेटी आई है। अब रात के वक्त 2 घंटे तो वो बातें करती रही, 11 बजे का समय हो गया, जो रिश्तेदार थे घर में आए हुए थे तो उन्होंने बातें की, उसके बाद वो कहने लगे कि अंधेरा ज़्यादा हो गया है, अब इन्हें, इन दोनों को भी थोड़ा समय दो ताकि ये आराम कर पाएँ, सो पाएँ। तो सब कमरे से बाहर चले गए, उन्होंने कमरा बंद किया, उसके बाद कुछ बातें 15-20 मिनट उन्होंने की, और बार बार जो सिमरन थी झुमके की बात कर रही कि झुमका काफ़ी सुंदर है, वो पर्स से निकालती देखती, अब रोशनी में और भी अच्छे से देख पा रही थी और कह रही कितना अच्छा झुमका है। अब ये जो झुमका है ना, एक ये है बिल्कुल ऐसा ही, एक और बनवा देना मुझे, तो दोनों कानों में मैं डाला करूँगी। रवि कांत ने कहा, ठीक है ये मैं बनवा दूँगा। बातें करते करते इसके बाद वो सो गए। अब अगली सुबह जो 6 बजे के करीब यहाँ सब उठ जाया करते थे, वो भी अब दरवाज़ा खटखटाने लगे, जो सिमरन के माता पिता थे, ताकि बाहर आए सबसे बातें करें, अब रात को तो बातें कर नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, जब सिमरन सबसे पहले बाहर उठकर गई, जो रविकांत था उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, अब ऑफिस से बाइक चला कर आया, बातें की, तो ऑफिस की थकान भी उतर नहीं पाई, और वो थोड़ा जब छुट्टी होती ना थोड़ा लेट उठा करता था 1 घंटा। तो 6 बजे सिमरन तो उठ गई, लेकिन उसका पति अभी रविकांत उठा नहीं था, बाद में बाहर सब बातें करने लगे, कहने लगे जवाई राजा जब उठेंगे बाहर की तरफ आ जाएंगे। जैसे ही रविकांत की नींद खुली, वो ऊपर की तरफ मुंह करके सोया करता था, उसकी आंख खुली, उसका ध्यान सबसे पहले ऊपर पंखे पर पड़ा। गर्मियों का मौसम नहीं था, पंखे कभी कभी चला करते थे जब यहाँ हल्की फुल्की गर्मी हो जाती, लेकिन आज जो पंखा था ना, उसने देखा पंखे के पंख नीचे की तरफ, पंखा जैसे किसी बच्चे ने ना टेढ़ा कर दिया हो, सभी पंख नीचे की तरफ किए हुए, और सबसे पहले ध्यान ही उसका पंखे पर पड़ा, और वो कहने लगा ये क्या, ये किसने किया होगा, मैं पूछता हूँ बाहर जाकर, ये पंखा ही खराब कर रखा है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब वो बाहर गया, पहले तो रिश्तेदार बातें करने लगे, फिर उसने बातों में ये कहा, आपने अंदर पंखा ऐसे टेढ़ा क्यों कर रखा है। ये बात सुनकर जो सिमरन के पिता थे वो कहने लगे, कौन सा पंखा टेढ़ा, हम पंखा टेढ़ा क्यों करेंगे। उसके पिता अंदर आए, देखने लगे पंखे की तरफ, ये किसने टेढ़ा कर दिया, कल तो ठीक था। रवि कहने लगा, कल ठीक था तो रात को किसने टेढ़ा कर दिया, हम ही थे रात में। अब सिमरन के पिता कहने लगे, पता नहीं कैसे, उनका शक तो इन्हीं पर था, इन दोनों ने क्या किया होगा भाई, पंखे के साथ इन्हें क्या काम हो सकता है। अब नई शादी हुई है, माना कि रोमांटिक हुए होंगे, लेकिन पंखे को टेढ़ा करने का क्या मतलब बनता है। तो उन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं, लेकिन रवि सिमरन से भी पूछे जा रहा कि ये कह रहे हैं कि पंखा टेढ़ा बाद में हुआ,
तो सिमरन भी कह रही कि हम कल ही तो रुके हैं, हम टेढ़ा क्यों करेंगे और रवि क्यों करेंगे। तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन जो सिमरन के माता पिता थे, रिश्तेदार थे, वो अब उन्हें कुछ कह थोड़े ना सकते थे। नए नए जवाई यहाँ पर आए थे, जवाई राजा, अब बेटी यहाँ पर आए थे, तो बातें और चलने लगी। इसके बाद वो पूरा दिन उन्होंने रिश्तेदारों से मिलने में, कुछ आस पड़ोस के घरों में जाने में, पूरा दिन इस तरह से निकल गया। वो रात को 8 बजे वो फ्री हो गए थे, खाना वाना खा लिया था, फिर सोने के लिए निकल पड़े। इसके बाद ये वक्त होगा कोई रात के 11 बजे का, सो चुके थे सब, अब सिमरन और रवि भी सो चुके थे। अचानक जो सिमरन और रवि के कमरे का सामान था ना, वो गिरा। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आई, जैसे बहुत सारा सामान गिरा हो। अब पूरी तरह से अंधेरा करके वो सोया करते थे, सामान गिरा, वो थोड़े हक्के बक्के से हो गए। जो बटन था वो रवि वाली साइड था। रवि जल्दी से उठा, पहले तो कहने लगा क्या हुआ, ये सामान कैसे गिर रहा है। अब जो सिमरन थी उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, तो रवि ने बटन दबाया, रोशनी की। जो उनके कमरे में सामान था ना, टेबल पर रखा ग्लास, पानी की बॉटल, कुछ और सामान, सब नीचे गिरा हुआ, और साइड में सोई हुई थी सिमरन। सिमरन भी आंखें मलती हुई उठने लगी, क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने देखा कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ। सबसे पहले उनका ध्यान गया वो दरवाजे की तरफ की कुंडी तो लगा दी थी ना, कुंडी लगी हुई अंदर से लगी हुई थी। अब बाहर से कोई अंदर तो आ नहीं सकता था, और अंदर सामान इस तरह से बिखरा पड़ा था। तो रवि काफ़ी हैरान सा हो गया 11 बजे। और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट बाद ना दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। अब ये सिमरन की माँ थी, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाकर पूछा क्या हुआ। अब ये सामान गिरने की आवाज़ सी आई, क्या आपके कमरे में ही आई है। उन्होंने कहा हाँ, जब उसकी माँ को अंदर बुलाया गया, सामान इधर उधर बिखरा हुआ। तो सिमरन की माँ अब अपने पति को लेकर आई, सिमरन के पिता को। वो वहाँ पर देख रहे कि ये सामान ऐसे बिखेर क्यों रखा है, ये क्या हुआ, कोई बिल्ली बिल्ली अंदर आ गई। अब जो रवि था वो भी कहने लगा पता नहीं, सामान हम सोए हुए थे, अचानक सामान बहुत बुरी तरह से गिरा और हम खुद डर गए। अब जो सिमरन थी वो भी समझ नहीं पा रही, रवि भी समझ नहीं पा रहा, और उनके माँ बाप वैसे थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहे, कहीं इन्होंने तो नहीं बिखेरा। अब नई शादी में इतना रोमांटिक क्या हुए जा रहे हैं, पंखे टेढ़े कर रहे हैं, सामान गिरा रहे हैं, इतना ज़्यादा रोमांटिक। वो ज़्यादा कह भी नहीं सकते थे कि मेहमान थे, अब मेहमानों को थोड़े ना कह सकते थे, तो जैसा वो कहते वैसा वो मानते। इसके बाद वो कमरे से बाहर चले गए, सिमरन और रवि। अब 11-12 बजे तक सोए ही नहीं और बातें कर रहे, ये सामान कैसे गिरा, और सोचने की कोशिश कर रहे। 12 बजे तक उन्होंने कुछ बातें की, थोड़ा सा डर कम हुआ। पहले उन्हें लग रहा था कि घर में कोई ऐसी प्रेत आत्मा की शक्ति या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो अपने आप सामान गिर गया, कहानियाँ तो उन्होंने भी सुनी हुई थी। लेकिन फिर 12 बजे वो सो गए। अगली सुबह जब वो उठे, अब 6 बजे आ गए थे माँ बाप बाहर, दरवाज़ा थोड़ा सा हल्का खटखटाया, और सिमरन ये आवाज़ सुनकर उठ जाया करती थी, उसे आदत थी ये आवाज़ की। तो जैसे ही सिमरन उठ कर गई, दरवाज़ा खोला, लाइट नहीं जलाई थी, जो दरवाज़ा था नीचे से थोड़ी रोशनी बाहर से आ रही, कुछ खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी आ रही, तो दिख रहा था। तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कह रही कि वो थोड़ा सोएंगे, मैं बाहर चलती हूँ। इसके बाद जैसे ही पूरा दरवाज़ा खोला ना, जो उसके पिता थे वो देखना चाहते थे सामान क्या ज़्यादा बिखरा हुआ है। लेकिन सामान बिखरे की बात अलग, एक दीवार जो बिल्कुल साफ थी, उन्होंने जब ये कमरा बनवाया था ना, उसके बाद जो प्राइमर पेंट होता है सफ़ेद रंग का, वो करवाया हुआ था, उससे कमरा साफ सुथरा लगता था। ऊपर पेंट नहीं करवाया था, अभी बाद में करवाना था। सामान बिखरा था, उन्होंने समेटा तो नहीं था, एक साइड को कर दिया था कि सुबह अच्छे से देखेंगे कौन सा चीज़ टूटी हुई है, कौन कांच का ग्लास कौन सा टूट चुका है ऐसे। तो दीवार पर देखा, दीवार पर निशान बनाए हुए। अब दीवार पर पेन से या कोई क्रेयॉन से जैसे निशान थे लाल रंग के, बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ने दीवार पर ऐसे ऐसे करके निशान बनाए हो। अब सिमरन के पिता देखकर कहने लगे, तुम करते क्या हो रात को, ये क्या चीज़ है, किसने की है। सिमरन थोड़ी सी डर गई, पिताजी मैंने तो नहीं किया, ये मुझे भी नहीं पता। और उसके बाद उन्होंने रविकांत को उठाया, और रवि भी ये देख कर कि ये किसने किया, मैंने नहीं किया, सिमरन ने नहीं किया, हम तो सोए हुए थे और हम ऐसा क्यों करेंगे। 2 महीने में रविकांत भी सिमरन को पहचान गया था, जान गया था, आते 2 महीने में पता लग जाती है ये बच्चों वाला काम किसने किया, सामान बिखेरना, ऐसा तो नहीं यहाँ बेड वेड के नीचे कोई छिपा हुआ है। इसके बाद उन्होंने बेड चेक किया, अलमारी चेक की, अच्छे से चेक किया, अपने मन को जो बात थी ना शांति वाली वो की। अब जो सिमरन के पिता थे थोड़ा गुस्सा हो गए थे, थोड़ा नाराज़ थे अब सिमरन से, अब जवाई राजा से नाराज़ नहीं हो सकते थे, तो सिमरन से थोड़ा नाराज़ थे, और पूछ रहे कि तुम बताओ सच में कोई परेशानी है क्या, यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा, हमसे कोई गलती हो गई कि जवाई राजा ऐसे कर रहे हैं, तुम ऐसा कर रहे हो, कोई बदला तो नहीं ले रहे। अब सिमरन के पिता ने एक साइड ले जाकर सिमरन से पूछा था,
कुछ कह तो नहीं रहे ये कि कोई चीज़ नहीं दी, कोई दहेज चाहिए था, कोई गहना हम दे नहीं पाए, कि इन्हें थोड़ा गुस्सा है और ये चीज़ क्या उसके साथ इसका रिश्ता तो नहीं। सिमरन कहे जा रही, नहीं पिताजी ये कोई वैसी बात है ही नहीं, ये हमें खुद नहीं पता ये क्या हुआ है। सिमरन के पिता को सिमरन ने अच्छे से समझाया और उसके बाद रविकांत ने भी कहा कि कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हमें खुद नहीं पता। तो उन्होंने कहा ऐसा करो आप हमारे कमरे में आ जाओ, हमें इस कमरे में रहने दो, क्योंकि उन्होंने भी सोचा था कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं, भूत प्रेत वाली कोई। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आज आप उधर रह लेना और उसके बाद हम इधर रहेंगे और देखेंगे इस कमरे में क्या है, कोई गड़बड़ सच में तो नहीं है। तो वो पूरा दिन ऐसे बातें बातें की, रिश्तेदारों के पास गए, घर में मिठाइयाँ आईं, वो बच्चे आए हुए थे उनके साथ खेले रात के वक्त। अब चाहे जितने भी रिश्तेदार आ जाएं, सिमरन और रविकांत को एक अलग कमरा दिया जाता था कि नई नई शादी है, इन्हें अलग कमरा दिया जाना चाहिए। अब उन्हें वो वाला कमरा दिया गया जहाँ अलमारियाँ, कोई ट्रंक, ऐसे पुराना सामान था, क्योंकि माँ बाप का कमरा था। लेकिन अब वहाँ परेशानी आ गई तो उन्हें यहाँ रहने के लिए भेज दिया। उस रात तकरीबन 11 बजे जो रवि था वो सो ही नहीं रहा था। अब रवि चिंता में था कि इल्ज़ाम तो लग रहे हैं और वो एक सरकारी नौकरी किया करता था हमेशा से, स्कूल में, क्लास में, चाहे अपने घर में, चाहे पड़ोस में, हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहता था कि शिकायत तो घर में आ ही नहीं सकती, छोटी सी शिकायत आती ना तो उसको रात को नींद नहीं आती थी, वो ऐसा था। अब यहाँ पर तो इल्ज़ाम लग रहे थे कि हमने किए हैं, सिमरन ने किया है या मैंने किया है या कैसे हो रहा है ये पता करना है। तो जो रवि था वो सोया ही नहीं। अब उस कमरे में जो खिड़की थी ऊपर रोशनदान बना हुआ, तो बाहर से चांद की रोशनी या पास में लगे हुए बल्ब के कारण अंदर रोशनी आती थी, अंदर साफ नजर आता था। अब रवि 9 बजे तक सोया नहीं था, इंतज़ार करने लगा 10 बजे जब वो ऊपर की तरफ मुंह करके छत की तरफ देखे जा रहा था कि ये पंखे को कल क्या हुआ, ऐसे नीचे कैसे हो गया, क्या हो सकता है। तभी 10 बजे के करीब उसने देखा कि उसकी जो पत्नी थी ना, जो सिमरन थी, पहले तो बैठी रही, कुछ देर बाद खड़ी हो गई। अब खड़ी होकर एक दीवार की तरफ जा रही और रविकांत देख रहा कि ये क्या कर रही है, पानी तो दूसरी तरफ पड़ा है ना। दीवार के करीब गई सिमरन और दीवार पर उंगलियों से जैसे कुछ लिखने लगी। अब रवि थोड़ा सा हैरान था और रवि ने आवाज़ लगा कर कहा, क्या हुआ, कुछ चाहिए, कोई दीवार तो उस तरफ है ना, तो क्या चाहिए, कोई कपड़ा वपड़ा चाहिए, ठंड तो नहीं लग रही। अब जो सिमरन थी उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद पास में कुछ पड़ा था और दीवार पर ये जैसे चाकू था, कोई वैक्सिंग वाला जो चाकू होता है ना, जिस पर वैक्स वैक्स लगा कर लड़कियाँ इस्तेमाल करती, वो वाले चाकू को दीवार पर ऐसे मारने में लग गई। अब उससे दीवार पर निशान बना रही और पेंट उखड़ रहा था, ऐसे ऐसे मारने लगी, आवाज़ें आने लगी और रवि ये देखकर हैरान हो गया, ये क्या कर रही है और जवाब क्यों नहीं दे रही। फिर सिमरन से उसने थोड़ा सा गुस्से में कहा, क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई। जो सिमरन थी उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो अपना लगी हुई दीवार पर और आवाज़ से परेशान हो रहा रवि। ये वो आवाज़ थी दीवार पर खुरचने की, उससे थोड़ी परेशानी होती थी, अजीब सी आवाज़ से उसके शरीर में कुछ ठिठुरन सी होने लगती थी, तो वो उससे थोड़ा परेशान हुआ। वो हट नहीं रही थी तो रवि उठा, उसने सबसे पहले लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जलाई, जो सिमरन थी एकदम हक्की बक्की सी हो गई। उसने लाइट जलाकर जब सिमरन से पूछा क्या कर रहे हो, सिमरन वहां से भागी सीधा बेड पर। उसके बाद वो जल्दी से लेट गई, जैसे वो उसकी चोरी पकड़ी गई हो, वो ऐसे बेड पर लेटी उसके सामने, फिर आंखें मलती हुई कहने लगी, क्या हुआ। अब जो रवि था हैरान, वो कहने लगा, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, अब चालाक बनने की कोशिश कर रही हो, वो दीवार पर तुमने क्या किया। तो जो सिमरन थी वो देखकर कहने लगी, क्या ये निशान किसने डाले। रवि कहने लगा, तुमने डाले, मेरे सामने डाले, मैं पूछे तो जा रहा हूँ क्या कर रही हो। सिमरन ने कहा, मैंने नहीं डाले, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। अब जो रवि था वो पहले तो हक्का बक्का सा, ये झूठ क्यों बोल रही है, इसकी ऐसी आदत तो है नहीं, अमूमन अगर गलती भी करे वो हंस कर टाल दिया करती थी या फिर आंखें झुका लिया करती थी कि डांट पड़ने वाली है, अब तो साफ ही मुकर रही थी। और बार बार रवि कहता रहा, ये तुमने किया, और सिमरन कह रही, नहीं ये मैंने नहीं किया, और सिमरन रोने लगी कि आप मुझ पर ऐसे झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, मैंने नहीं किया, ये कैसे हो, मुझे नहीं पता, पहले से होगा ना, हमने ध्यान थोड़े ना दिया था। रवि ने कहा, मैंने अपनी आँखों से देखा, सिमरन रोए जा रही कि मैंने नहीं किया, आप मुझे झूठ क्यों कह रहे हो। सिमरन ऊँची आवाज़ में रोने लगी। अब उसकी आवाज़ सुनकर जो माँ बाप थे उस कमरे से भी आ गए। उसके बाद वो देखने लगे कि इनमें तो झगड़ा हो रहा है। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, रवि ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सिमरन थोड़ी डरी हुई थी। उसके माँ बाप अंदर आए और रवि कहने लगा, वो देखो दीवार पर। उन्होंने देखा दीवार पर निशान बने हुए, जैसे एक्स, काफ़ी सारी एक्स ऐसे बनाई गई थी। सिमरन के पिता पूछने लगे, ये किसने किया। अब रवि ने कहा सिमरन ने। सिमरन रोकर कह रही, नहीं ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने नहीं किया।
और रवि कह रहा मेरी सामने किया, मेरी आंखों के सामने किया। अब ये जैसे मुकर रही है, मैंने खुद देखा है, अब आप खुद बात कीजिए। रवि बाहर चला गया। अब सिमरन से उसके माँ बाप बात कर रहे, उन्होंने पूछने की हर कोशिश की। सिमरन कह रही मैंने नहीं किया, ये मैंने किया ही नहीं, तो मैं मानूँ क्यों मानूँ। इसके बाद जो सिमरन के पिता थे वो रवि के पास आए। अब उन्हें रवि पर भी भरोसा था क्योंकि उनकी शादी हुए 2 महीने हुए थे, लेकिन उनका रिश्ता हुए उससे भी 4 महीने पहले के, यानी कुल 6 महीने हो चुके थे। अब जो सिमरन के पिता थे ना, वो रवि से बातें किया करते थे, काम के बारे में, आगे क्या होगा, ये वो, घंटे घंटे कभी कभी बातें कर लिया करते थे, तो इतना उन्हें पता था। अब कोई परेशानी भी इससे पहले नहीं आई, लेकिन यहाँ आकर ये गड़बड़ सी तो हो रही है। तो सिमरन के पिता ने रवि से बात की, क्या तुमने पक्का देखा? और रवि कह रहा आप मुझ पर भरोसा करते हैं? ये उठकर गई थी, दीवारों पर ऐसे कर रही थी, और जब मैंने आवाज़ लगाई, लाइट जलाई, ये जल्दी से सो गई, और उसके बाद आंखें मलकर कहने लगी। अगर ये झूठ बोलना चाहती वहीं पर झूठ बोल सकती थी, जैसे लेटी आंखें मल रही, जैसे इसे नींद आई हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और जो सिमरन के पिता थे वो अब रवि को कहने लगे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? तो रवि ने कहा नहीं नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए। तो सिमरन के पिता कहने लगे, कोई इस पर किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं, जिसे जादू टोना कहते हैं? मुझे लगता है कुछ ऐसा तो नहीं उस कमरे में हुआ, अब तुम्हारे कमरे में हुआ, तुम भी मान नहीं रहे, ये भी मान नहीं रही, लेकिन ऐसी चीज़, अगर कोई गलती होती ना, कोई चीज़ गिर जाती फिर वो मुकर जाती, मैं मान भी लेता, ये चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों कर रही होगी, ये समझ से बाहर है। इसके बाद रवि भी कहने लगा, हाँ बात में तो दम है, आपकी बात तो सही है, मुझे भी कुछ इस चीज़ से थोड़ा डर तो लग रहा है, उस कमरे में भी जो हुआ, मुझे लग रहा है शायद वो जो चीज़ें हुई ना, सामान गिरने वाली, वो जो पंखे का, जो फैन के पंख थे वो टेढ़े हुए थे, तो मुझे शक है शायद इसने किए होंगे। अब सिमरन के पिता भी कह रहे, मुझे भी शक है, जो तुम कह रहे हो सकता है ऐसा हुआ। अब उसके पिता ने कहा कि पास के मंदिर के एक बाबा के पास इसे दिखाएं, कल दिखाएंगे, कल तुम सुबह 9 बजे निकलने वाले थे, मेरी बात मानो, अभी मत जाओ, बस एक दिन रुक जाओ, हम वहाँ पर दिखा कर आते हैं, तुम किसी तरह छुट्टी ले सकते हो तो ले लेना। रवि ने कहा ठीक है, वो बात नहीं है, 2 छुट्टियाँ मैं एक्सटेंड करवा सकता हूँ, मेरे पास हैं तो इमरजेंसी के लिए मैं ये छुट्टियाँ ले सकता हूँ। अब सिमरन के पिता भी तैयार थे, अगली सुबह वो सीधा सिमरन को लेकर उस बाबा के पास जाना चाहते थे। लेकिन सुबह सुबह जब सब बैठे हुए और कपड़े पहन रखे थे, तैयार थे कि कहीं तुम्हें लेकर जाएंगे, सिमरन को ये बताया नहीं था, कि फिर उन्होंने सिमरन को कहा कि हमें मंदिर जाना होगा। अब सिमरन मना करने लगी, नहीं मैं अच्छे से नहा नहीं पाई और थोड़ी सी गंदी हुई हूँ, इसीलिए मैं जा नहीं सकती। रवि कहने लगा कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम नहा कर आई हो, कौन सी गंदी हुई, कोई तुम्हारे बाल गंदे नहीं, तुम अच्छे से नहा कर आई हो, हमें मंदिर जाना है। सिमरन कह रहे नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, मैं मंदिर नहीं जाने वाली। सिमरन अड़ने लगी थी। अब उसके पिता कहने लगे, अब जो सिमरन के पिता थे ना वो डांट कर कहा करते थे, कई बार बहुत अच्छे से डांटते थे, और सिमरन उस डांट को सुनकर सीधी हो जाती थी, रवि की बात कई बार नहीं भी मानती थी, अपने पिता की बात तो ऐसे मानती थी, डांट पड़ी शांत होगा, जी क्या कहना चाहोगे, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो सिमरन के जो पिता थे डांट कर कहा, जाओगी तुम मंदिर, कैसे नहीं जाओगी, आज तुम्हें जाना है। अब सिमरन के पिता ने ऐसे डांटा और सिमरन कहने लगी, नहीं मैं नहीं जाने वाली, मैं जाऊंगी ही नहीं, आप मुझे मंदिर नहीं ले जा सकते, देखिए। तो इस तरह से सिमरन बार बार मना करती रही, तो रवि कह रहा कि हमें जाना ही होगा, उसके पिता कह रहे, माँ कह रही, सब एक तरफ हो गए, सिमरन एक तरफ, मैं नहीं जाने वाली। उसके बाद जो सिमरन के पिता थे वो कहने लगे, रवि पकड़ो इसकी बाजू, लेकर जाएंगे, कैसे नहीं जाओगी, हमने कहा खास आज ना पूजा करवानी है, तुम्हें जाना होगा। सिमरन मान नहीं रही, ऐसा लग रहा था सिमरन मंदिर जाना ही नहीं चाहती थी। सिमरन के पिता ने कहा कि रवि बाजू पकड़ो, खींचो इसे, बाहर लेकर जाओ, चलो जल्दी से, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बाइक के पीछे बैठाओ, मैं भी बैठता हूँ, कैसे नहीं जाती, देखते हैं हम। इस तरह सिमरन को पकड़कर रवि खींचने की कोशिश कर रहा, पहले तो थोड़ा खींचा, दरवाजे के करीब तो ले आया, क्योंकि सिमरन जो थी वो पतली सी थी, सूखी पतली सी, 50-52 किलो उसका वज़न था, जो रवि था उसका वज़न 70 किलो होगा, वो थोड़ा लंबा था, 6 फुट का, तो वो आसानी से खींच सकता था। अब दरवाजे तक खींच कर ले आया, दरवाजे के पास जाकर जो हुआ ना, अब ऐसे पकड़ा हुआ था सिमरन को, थोड़ा हंस भी रहा था, तुझे जाना होगा, चल ना, क्यों झगड़ा कर रही है, चल चल, ऐसे थोड़े प्यार से भी कर रहा था कि मैं तो लेकर जाऊंगा, देख तुझे उठा लूंगा मैं, ऐसे कर रहा था। तभी जो सिमरन थी ना वो, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊं, कैसे करते करते उसने जो झटका मारा ना, ऐसे झटका मारा, और रवि ने बाजू पकड़ी, रवि आगे छाती के वजन पर ऐसे जमीन पर रगड़ गया।
इतना तगड़ा झटका जो सिमरन ने दिया था, कमज़ोर सी, छोटी सी कमज़ोर सी सिमरन ने, होश उड़ गए सबके और वो देख रहे कि ये क्या कर दिया तूने। छाती के बल गिरा था फर्श पर, उसके बाद नाक पर यहाँ चोट लग गई, यहाँ कुछ चोट लग गई, अब कोहनी जो ज़मीन पर लगी उस पर चोट लग गई। रवि आ गया गुस्से में, अब रवि की ईगो का सवाल था, उसने दोनों बाजू पकड़े, चल तू कैसे नहीं चलती, मैं देखता हूँ। अब सामने सिमरन के पिता भी थे, वो भी कुछ नहीं कह रहा है कि वो थोड़े घबरा गए कि क्या कर रही है सिमरन। उसके बाद सिमरन ने जो धक्का दिया अब रवि को, धक्का मार के पीछे गिरा दिया, पतली सी दूसरी बार धक्का दिया, और ऐसे धक्के के बाद रवि भी कुछ सन्न था इसमें, जान कैसे आ गई, इतनी जान कैसे आ गई। फिर क्या, सिमरन के पिता, रवि और सिमरन की माँ टांगे बाजू पकड़ के खींच के दरवाजे के बाहर, दरवाजे के बाहर तो ले गए, अब बाइक पर बिठा कर लेकर कैसे जाएंगे। वो तो चीखे मार रही, वो तो ऐसे चीखे मार रही थी कि ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे। पड़ोसी इकट्ठा होने लगे, अब गांव वाले थे वो सब, और ये देखकर सब हैरान थे। पहले तो सबको लग रहा था ये पीट तो नहीं रहे, कि कोई इनमें झगड़ा हो गया, कि जवाई जी आए हैं, जवाई राजा, और कुछ इन्होंने अच्छे से स्वागत नहीं किया होगा तो बेटी झगड़ रही होगी, या ऐसा कुछ इनके घर में कोई फसाद पड़ गया। लेकिन सब देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये पकड़कर बाइक पर बिठा रहे हैं, वो कह रही है ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कुछ पड़ोसी थे जो सिमरन के पिता को जानते थे, माँ को जानते थे, ये तो इतने अच्छे हैं, ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ सिमरन की माँ कहने लगी, इसके सर पर कोई बला है, इसके सर पर कोई साया है, इसे मंदिर लेकर जाना है। तो पड़ोस की जो औरतें थी वो कहने लगी, हम साथ चलती हैं, कैसे नहीं जाएगी, हम लेकर जाती हैं, मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था। अब वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला था, उनका कोई रिश्तेदार ही, जैसे गांव में कहते ना ये भी हमारा रिश्तेदार है, वो भी रिश्तेदार है, कोई दूर का उनके समाज का ही, तो वो ऑटो चलाने वाला। तो उन्होंने कहा ऑटो लेकर आ, तू ऑटो लेकर आ। उसने अपने बेटे को ऑटो लाने के लिए कहा, वो ऑटो लेकर आया, बिठाया बीच में, दो तीन जैसे औरतें 70 साल की कुछ बैठ गई कि निकलने का मौका ही नहीं देंगी, ऐसे कैसे। और वो तो मारने की कोशिश कर रही, नाखून बड़े रखे थे, नई नई शादी थी उससे, ऐसे करने की कोशिश कर रही, नाखून टूट गए उसके, बाल खींचे जा रहे, फंसे जा रहे, मेकअप उतर गया, आंसू रुक नहीं रहे, वो तो पागल लग रही थी। अब सब देख रहे, सबको ये पता था कोई काला जादू इसके ऊपर किया गया है, या कुछ ना कुछ भूत प्रेत का साया है, जैसी ये हरकतें कर रही है। प्यारी सी बच्ची है, अभी शादी हुई है, बचपन से हमने देखा, इतनी तो अच्छी थी, क्या कर रही है। उसे मंदिर में ले जाया गया, मंदिर के अंदर घसीट कर ले जाया गया, और वो तड़प रही थी, मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। और वहाँ मंदिर में सबसे पहले तो प्रार्थना की गई, अब प्रार्थना मंदिर के गर्भगृह में, अब एक लाल रंग का धागा कलाई पर बांधा गया, थोड़ी सी वो शांत हुई। वहाँ पर एक तरफ हवन यज्ञ जो सब पंडित जी ने किया, वो पंडित पुजारी जी थे जो मंदिर के, वही बाबा थे जो वहाँ ऐसे काम किया करते थे, भूत प्रेत को दूर भगाने वाला, उन्होंने कोई सीखा हुआ था। वहाँ पर मंदिर के अंदर एक घंटे उसे रखा गया। इसके बाद सब कुछ खुद उगला था सिमरन ने, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। रवि सामने से देख रहा कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये कौन है, वो भारी सी आवाज़ में बोल रही। अब उसकी जो बीवी थी पतली सी सूखी सी, पतली सी तीखी आवाज़ वाली, ये भारी मर्द जैसी आवाज़ उसके गले से कैसे निकल रही। और वो पुजारी जी कह रहे, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, जो बोल रही है तुम्हारी बीवी नहीं है, अभी देखना ये कौन है, पता चलेगा। अब ये किसी बूढ़ी की प्रेत आत्मा थी, जिसका साया था, किसी ने काला जादू किया था झुमके पर, हर चीज़ बोल दी। वो चांदी का झुमका जो घर में है, उससे ये बला का साया यहाँ पर आया। अब वो चांदी का झुमका उन्होंने जहाँ से लिया था वहीं पानी में बहाया, ये पुजारी जी ने कहा था, वो बहा दिया, बाकी जो उसके ऊपर बला थी उसको जैसे दूर कर दिया गया। किसी के घर की कोई महिला जो प्रेत आत्मा बनकर उस घर पर जैसे शाप की तरह थी, उन्होंने किया कराया, वहाँ से निकाला झुमके के सहारे, चांदी के सहारे, जिसे कोई छुएगा, अमूमन ऐसे कोई जादू टोना छूता नहीं और बला दूर की जाती है, लेकिन कोई छुए तो वहाँ उसके घर में चली जाती है। तो वो चांदी की चीज़ उन्होंने वहीं उसी नदी में बहा दी, और जो सिमरन थी उसके बाद ठीक हो गई, मंदिर में ही ठीक हो गई थी। और पुजारी जी ने कहा था उस झुमके को कोई हाथ मत लगाना, जिस चीज़ में है किसी चीज़ से उठाना, वहाँ जहाँ से लेकर आए हो वहाँ पानी में कोई बहा देना, किसी को पकड़ाना मत। उन्होंने वैसा किया, बहा दिया। उसके बाद पुजारी जी ने कहा कि उसके ऊपर से भी बला उतारी जा सकती थी, लेकिन ऐसी चीज़ जो लालच से जुड़ी हो उसको करीब भी नहीं लाना चाहिए, तो दूर कर दो। किसी ने लालच नहीं की, वो दूर कर दी गई। सिमरन ठीक हो गई, उसने दोबारा ऐसा कभी नहीं किया। और रविकांत 10 दिनों तक डरता रहा अपनी बीवी से, अपनी बीवी को हाथ लगाने से डरता, भाई मर्द की आवाज़ में पीटना ना शुरू कर दे। जैसे उठाकर मारा था ना,
भले ही ये बला उनके घर से निकल गई थी, लेकिन रविकांत ने अपने घर में वो बात नहीं बताई कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, क्योंकि इससे वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती थी। वो कहने लगते कि ये सिमरन झूठ बोल रही होगी ऐसे वैसे, क्योंकि नई नई दुल्हन थी, थोड़ा सोचना पड़ा उन्हें। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी की एक खौफनाक घटना थी जो अपने घर वालों तक को वो बता नहीं पाए और उन्होंने हमारे साथ शेयर की ताकि सबको ये पता लग पाए। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर आपको हमारी ये वीडियो सारी की सारी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल नहीं काले वाले बटन को अंगूठा मार के तोड़ दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे भूत प्रेत नष्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।